तो भाई देखो, अगर आपका भी एक YouTube चैनल था जो कि हैक हो चुका है, आपका एक्सेस लॉस्ट हो चुका है, हैकर ने बहुत सारे चेंजेस चैनल के ऊपर कर दिए हैं, लाइक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, रिकवरी ईमेल और फोन नंबर भी चेंज कर चुका है, ऐसे में आपको अपना चैनल कैसे रिकवर करना है 24 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। कोई भी पार्ट स्किप अगर आप करते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता कि आपका चैनल आएगा। अब देखो, वीडियो को स्टार्ट करें और स्टेप वाइज हम बात करें कि कैसे अपने चैनल को रिकवर करना है। उससे पहले एक चीज बता दूं, हमने ना पहला जो चैनल रिकवर करा था अपना 2020 के अंदर करा था, 2020 के अंदर, और भाई उसके बाद में ना हमने पर्सनली 500 से ऊपर चैनल्स को रिकवर करके दिए हैं, जिनमें बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स थे। हमारा चैनल हैक हो चुका था और अब हमारा चैनल वापस आ चुका है, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं को। अब देखो, जब YouTube चैनल हैक होता है ना, तो किसी के साथ सेम प्रोसेस नहीं होता, सबके साथ अलग अलग चीजें होती है जिनमें हमने बहुत सारा टाइम लगाया है, और पूरे एक्सपीरियंस के साथ हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको किस तरीके से हमसे बात करनी है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। खैर, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, हम स्टेप वाइज बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन स्टेप्स में आपके चैनल को रिकवर करना बताने वाले हैं 2024 के अंदर। अब देखो, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें जो काम करना होता है ना, वो करना होता है जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा चैनल हैक हो चुका है, हमारा एक्सेस लॉस्ट हो चुका है, तो पहला काम कर लेना, आप अपना YouTube चैनल कहीं पर भी सर्च कर लो, शो कर रहा है ना YouTube किसी भी फोन में, मेन पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, मतलब जो भी आपका चैनल है भले उसमें चेंजेस हो चुके हैं। इसके अलावा गाइस, आपको अपने अबाउट सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, जहां पर वो चैनल कब क्रिएट हुआ था वो लिखा हुआ मिल जाएगा। साथ ही उस चैनल का ना जो URL है वो आपको कॉपी कर लेना है। ये कुछ चीजें कर लेना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर, इतनी चीजें करने के बाद आप बिल्कुल चिल हो जाओ, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड स्टेप आता है गाइस, आपको एक हाईजैकिंग फॉर्म मिलता है जो कि गूगल की तरफ से मिलता है, वो आपको लेना होता है। अब वो कैसे लोगे आप, बहुत ही इजी प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही इजी वे में बता देता हूं। गाइस, इसका दो तरीका हो सकता है। अगर आपके पास कोई दूसरा YouTube चैनल है तो वहां पे आप गूगल चैट करके उनसे अपनी प्रॉब्लम बता के YouTube हाईजैकिंग फॉर्म तो ले सकते हो। लेकिन गाइस, एक बहुत ही इजी और तरीका है ना, कि अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो बना लो भैया, अभी तक क्या कर रहे हो क्रिएटर होने के बाद, वहां पर आपको नया अकाउंट भी क्रिएट करते हो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके का आपको ट्वीट कर देना है, आपको बस इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होता है और अपनी जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से लिख देना, और टीम YouTube और YouTube इंडिया को @ लगा के यानी मेंशन करके उनको टैग कर देना ताकि ये प्रॉब्लम उन तक पहुंच जाए, और बस आपको रीट्वीट करके छोड़ देना है। अब देखो, इसमें कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें ना मिनिमम 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैंने बोला 24 घंटे के अंदर मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। खैर, जैसे आप YouTube को ये टैग करते हो ना, YouTube 24 से 48 घंटे के अंदर आपको DM कर देगा और रिप्लाई भी कर देगा उसी ट्वीट के नीचे कि आपको हमने DM कर दिया है, वो चेक कर लो। YouTube आपसे एक दूसरा ईमेल मांगेगा जो कि हैक नहीं होनी चाहिए, तो वो आप कोई सा भी मेल प्रोवाइड करा देना, देन आपको YouTube हाईजैकिंग फॉर्म यहां पर प्रोवाइड करा देगा, यानी एक फॉर्म का लिंक दे देगा। अब देखो, ये जो फॉर्म है ना, कई बार नहीं खुलता आपके सिस्टम में या फिर फोन में, और कुछ इस तरीके से लिख के आता है फिक्स्ड हैक YouTube चैनल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से ये फॉर्म कुछ इस वे में खुलने वाला है वो आपको बता दूंगा, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। खैर, अगर आपको ये फोन में या लैपटॉप में ये फॉर्म खुल चुका है, तो अब इसको डिटेल में कैसे भरना है ये थर्ड स्टेप में हम जान लेते हैं। अब देखो, फॉर्म खुलने के बाद जो सबसे पहली चीज पूछी गई है, डिड यू अपलोड योर पासवर्ड, तो यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अपडेट करा है पासवर्ड तो आप उस पर सेलेक्ट कर दो, अगर आपने पासवर्ड अपडेट नहीं कर पाया, हैक हो चुका है टोटली, तो आई डोंट हैव एक्सेस टू माई अकाउंट पे क्लिक कर देना। दूसरी चीज सबसे पहले आपको पूछता है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। देखो, कई सारे लोग ना यहां पर कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट नेम में आपको अपना आधार कार्ड वाला नाम लिखना है, अगर चैनल आपका है, जरूरी नहीं है यहां पर चैनल का नाम पड़ेगा, आप अपना नाम लिख सकते हो, लाइक मेरा शिवम नेम है तो यहां पर मैं शिवम लिखता हूं, एंड यहां पर सरनेम में मैं अपना शिवम का लास्ट टाइटल लिख देता हूं। खैर, ये करने के बाद गाइस, यहां पर जो तीसरा ऑप्शन पूछा गया ना, वो है योर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस। अब देखो, ये कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस वो मेल नहीं होगा जो कि चैनल वाला था, ये एक ऐसा मेल होगा जिससे आपको यूट्यूब कॉन्टैक्ट कर पाए, या फिर आपका कोई दूसरा मेल रिकवरी मेल हो सकता है जिसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। यहां पर जो भी आप मेल दोगे कॉन्टैक्टिंग मेल में, याद रखना वो हैक नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद में जो अगली चीज पूछी गई है ना, टेल अस मोर अबाउट योर चैनल एंड रीसेंट चेंजेस ऑब्जर्व्ड। अब देखो, यहां पर जो पहली चीज पूछी गई है वो है चैनल आईडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। अगर यहां पर आप गलत चैनल आईडी देते हो तो शायद आपका केस क्लोज कर दिया जाए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। अब देखो, जो चैनल की आईडी होगी जो आपको यहां पर फिल करना है ना, वो UC से स्टार्ट होगा और वो आपके ही चैनल पे मिलेगा, किसी अदर चैनल का उठा के नहीं डालोगे आप। बाकी अगर आपको अपने फोन में नहीं मिल रहा, आपको अपने फोन में मेन पेज खोल रहे हो चैनल का, वहां पर ये नहीं शो कर रहा, फिर आपने अपना चैनल जिस भी फोन के अंदर खोला था ना पहले गूगल क्रोम के अंदर, तो वहां पर आपको हिस्ट्री के अंदर चेक करना है, यूसी से आपने कभी भी चैनल को ओपन करा होगा तो आपको ये कुछ इस तरीके से URL मिल जाएगा।
खैर आपने सारी चीजें ही कर ली और आपको ये चैनल आईडी नहीं मिल रहा है तो आपको कैसे ये चीज लानी है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। खैर अब उसके नीचे आप देख लो, व्हेन डिड यू क्रिएट योर चैनल, आपने अपना चैनल कब क्रिएट किया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना अपने चैनल का अबाउट सेक्शन स्क्रीनशॉट लेने का, इसलिए क्योंकि वहां पर आप देख लो आपका चैनल कब बना था वो देखने को मिल जाता है। तो वहां से देख के आप अपने चैनल का जो डेट था वो सेट कर लोगे कि कब आपने चैनल क्रिएट करा था। एंड उसके नीचे पूछता है व्हाट इज द प्राइमरी ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विथ योर चैनल। अब यहां पर वो वाली ईमेल डालनी है ना जिससे आपका यूट्यूब चैनल था जो हैक हो चुका है। जी हाँ, वो ईमेल मैं यहां पर डाल देता हूं। देन नीचे पूछा गया है कैन यू करंटली साइन इन और डू यू हैव एक्सेस यूज अबव ईमेल एड्रेस। क्या अभी करंटली आप उस चैनल को या ईमेल को एक्सेस कर पा रहे हो। कई बार क्या होता है यूट्यूब चैनल तो हैक हो जाता है लेकिन यहां पर जो ईमेल होता है ना वो अभी भी एक्सेस हम कर पा रहे होते हैं, मेल भी आती है। तो यहां पर अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो यस करना, बाकी नहीं कर पा रहे हो तो नो कर सकते हो। एंड अगर आपने नो करा होगा ना तो आपको एक ऑप्शन आएगा व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू साइन इन। तो यहां पर आपने जिस भी डेट पे आपका चैनल हैक हुआ था वो यहां पे आप डेट जो है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर चैनल, यानी आपके चैनल पे जो भी कंटेंट था वो किस कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहा था। तो जैसे ही आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करोगे काफी सारे कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, कुकिंग, ब्लॉगिंग, फाइनेंस, गेमिंग, मेकअप, ब्यूटी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो था बेसिकली वो यहां पर चूज कर लोगे। अगर इसमें से आपकी कैटेगरी नहीं मिल रही तो आप लास्ट अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे प्लीज स्पेसिफाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप खुद से ही मेंशन कर सकते हो यानी लिख के इनको बता सकते हो। बाकी गाइस उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है आर यू कंटेंट ओनर विद एक्सेस टू योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आप कंटेंट ओनर हो जो कि पूरा कंटेंट मैनेज करते थे। तो यहां पर आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करके यस क्लिक कर लोगे और यहां पर आपको जो है ईमेल दे देनी है अपने चैनल वाली जो कि हैक हो चुका है। बस उसके बाद में आपको नीचे आना है कैन यू करेंटली साइन इन डू यू हैव एक्सेस यूज द ईमेल एड्रेस। अब ये जो लाइन है ना यहां पर अभी आपको फिर से पूछ रहा है कि क्या आप ईमेल को एक्सेस कर पा रहे हो जो हैक हो चुका है। तो यहां पर आप लिखोगे नो, अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो आप यस पे ही क्लिक कर दोगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है डू यू रिमेंबर द वीडियो आईडी ऑफ द लास्ट वीडियो अपलोडेड, यानी आप उस वीडियो का आईडी दो जो आपने अपने चैनल पे लास्ट टाइम अपलोड किया था हैक होने से पहले पहले, चाहे वो शॉर्ट फीड की हो सकती है या फिर वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो हो सकती है। यहां पर अगर आप यस पे क्लिक करोगे ना तो फिर आपको ये वीडियो आईडी पूछेगा और अगर आपने वीडियो अपना कहीं पे शेयर करा था तो उसका वीडियो आईडी क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो जो भी आपने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था अगर उसका यूआरएल या फिर उसका लिंक आपको आपके पास है तो यहां पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप देख लो इक्वल टू के पहले की जितनी चीजें हैं ना वो आपको हटा देनी है और इक्वल टू के बाद में जो भी चीजें हैं ना वही है आपका वीडियो आईडी। अब देखो आपको अगर वो नहीं आपने कहीं पे शेयर नहीं करा था उस वीडियो को और हैकर ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया है तो आपको तो वो नहीं मिलेगी, तो आप नो पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी टाइटल वो लिख देनी है जो कि लास्ट वीडियो की थी। तो अगर आपको टाइटल पता है जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड करा था तो यहां पे वो पूरा अच्छे से मेंशन कर देना। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 90% के करीब अगर आपने बिल्कुल सही टाइटल लिख दिया तो फिर आपका काम बन जाने वाला है, बाकी कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है। उसके बाद में गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डिड यू नोटिस एनी न्यू वीडियो ऑन योर चैनल दैट यू डिड नॉट अपलोड योर सेल्फ, मतलब क्या आपने कोई ऐसा वीडियो चैनल पर नोटिस करा है जो आपने खुद से अपलोड नहीं करा है या फिर हो सकता है वो हैकर ने अपलोड करा हो। तो अगर आपने देखा है तो यहां पर यस कर दो, अगर आपके चैनल पे कोई वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हो रही है तो आप नो पे कर देना, लेकिन अगर यस पे आप करते हो ना तो प्लीज शेयर द वीडियो आईडी यहां पे बोल रहा है। तो जो भी अगर आपके चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है हैकर की उसको बस कॉपी करना, यहां पे लाके पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद याद रखो वीडियो आईडी इक्वल टू के बाद की होती है पहले की सारी चीजें, यानी इक्वल्स टू के साथ में आपको पहले की जितनी भी चीजें वो बैक स्पेस करके यहां पर हटा देनी है। उसके बाद में नीचे आप देखोगे डिड यू नोटिस एनी अदर चेंजेस टू योर चैनल, तो अगर आपके चैनल पे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं यानी हैक होने के बाद कोई भी चेंज आपके चैनल पे नहीं दिख रहा है तो आप नो कर देना, अगर दिख रहा है तो यस पे क्लिक कर देना और यहां पर आपको मेंशन करना है। लाइक चेंजेस में ये हो सकता है ना कि आपके चैनल का लोगो चेंज हो जाए, बैनर रिमूव हो जाए, चैनल का नाम चेंज कर दिया जाए, तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है यस माई चैनल आइकन हैज बीन चेंज, माई चैनल बैनर हैज बीन चेंज एंड ऑल्सो माई चैनल नेम हैज बीन चेंज, ऐसा करके आपको मेंशन कर देना है। जो भी चेंजेस आपको लग रहे हैं ना कुछ इस तरीके से आपको इस बॉक्स के अंदर अच्छे से मेंशन कर देना है। देन नीचे आपको पूछा गया डू यू हैव अ रिकवरी ईमेल एड्रेस एंड और अ फोन नंबर सेटअप, यानी आपने अपनी जो चैनल हैक हुआ है उस पर कोई रिकवरी ईमेल या फोन नंबर अटैच कर रखा था। अब मैं आपको बता दूं रिकवरी ईमेल वही होता है जब आपका चैनल हैक हुआ होगा ना तो उस पे कई सारे मेल आए होंगे योर टू स्टेप वेरिफिकेशन हैज बीन चेंज्ड, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। और आपके चैनल की रिकवरी फोन नंबर वो होती है जब भी आप चैनल के पासवर्ड को फॉरगेट करते हो ना तो जिस पे ओटीपी जाता है जिस फोन नंबर पे वही आपका रिकवरी फोन नंबर होता है। तो इतनी चीजें समझ में आने के बाद ना अगर आपके पास रिकवरी फोन नंबर या फिर ईमेल है तो यहां पे ऑप्शन मिलता है ईमेल और फोन, दोनों में से कोई एक पता है तो एक भी दे सकते हो, अगर दोनों पता है तो बोथ पे क्लिक कर देना और यहां पर दोनों दे देना। लेकिन याद रखना ईमेल आईडी तो आपको पूरा यहां पर पहले में मेंशन कर देना है, सेकंड में जो फोन नंबर पूछ रहा है ना उसके लास्ट
लास्ट के 4 डिजिट यानी जो भी फोन नंबर आपका रिकवरी में अटैच है उसके लास्ट के 4 डिजिट ही यहाँ पर आपको टाइप करने हैं, लास्ट के आप याद रखना। बाकी गाइस आप नीचे जाओगे, इज द चैनल करंटली एसोसिएटेड विद एनी ब्रांड अकाउंट, आपका चैनल अगर किसी भी ब्रांड अकाउंट से जुड़ा हुआ था ना तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करोगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा प्लीज डिस्क्राइब एनी रीसेंट चेंजेस दैट हैज बीन मेड टू द ब्रांड अकाउंट। तो अगर आपने कोई भी चेंजेस रिसेंटली करे थे ब्रांड अकाउंट के अंदर तो वो यहाँ पर मेंशन करोगे। बाकी अगर आपका चैनल ब्रांड अकाउंट से कोई भी मतलब नहीं रखता तो नो पे क्लिक कर देना। बाकी गाइस नीचे आपको डिटेल्स अबाउट एडसेंस पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन Is your channel linked to an AdSense account? तो अगर आपका चैनल जो है ना वो AdSense verified हो चुका था, AdSense आपका enable हो चुका था, तो yes करना, नहीं है तो आप बिल्कुल no कर देना, कोई आपसे चीजें पूछी नहीं जाएंगी। yes अगर करते हो ना तो please provide the current ID। अब देखो current ID जो पूछ रहे हैं ना ये होता है publisher ID। जी हाँ guys बहुत ही important है। अब देखो ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो अगर आपको कभी भी आपका payment mail आया था ना, your payment has been sent करके जो mail भेजी जाती है उसमें आपको मिल जाएगा वो PUB number जो कि आपको लिखा हुआ मिलेगा PUB, और यहां पर 16 डिजिट के नंबर्स होंगे तो उसमें से बस आपको 15 डिजिट के नंबर यहां पर टाइप कर देने। खैर कई बार PUB नंबर बहुत मशक्कतों के बाद नहीं मिलता है तो वीडियो को लास्ट में देखो, ये सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और वहीं पर दूसरे नंबर पर पूछा गया है प्लीज प्रोवाइड द यूजर ईमेल ऑफ द एडसेंस अकाउंट लिंक टू योर चैनल, यानी वो ईमेल आईडी यहां पर फिल करो जिससे वो एडसेंस अकाउंट था। कई बार क्या होता है हमारा जो चैनल वाला मेल होता है वही सेम ईमेल आईडी उसी सेम एडसेंस से होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारा एडसेंस का जो ईमेल आईडी होता है वो अलग होता है और YouTube चैनल का अलग होता है। तो यहां पर आपको वो ध्यान रखना है कि भाई आपका AdSense का ईमेल कौन सा था, किस ईमेल से आपका AdSense बना हुआ था, तो वो यहां पर आपको टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको पूछा गया इज योर AdSense लिंक्ड टू एनी मल्टी चैनल नेटवर्क MNCs, क्या आपका जो चैनल है वो किसी भी MNCs से जुड़ा हुआ था मल्टी चैनल नेटवर्क। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ था, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यहां पर यस कर देना। और यहां पर जो भी MNC कंपनी का नेम है ना वो इस ब्रैकेट के अंदर आप अच्छे से फिल जरूर कर देना, अगर नहीं है तो फिर आपको नो करना है, कुछ भी नहीं पूछेगा। बाकी आपको मोर इन्फो ऑफ द डिवाइस लोकेशन यूज टू एक्सेस और ऑपरेट योर चैनल, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो यहां पर जो पहली चीज पूछी जा रही है व्हाट डिवाइस डू यू यूजुअली यूज टू साइन इन और रन योर चैनल, मतलब आप कौन सा डिवाइस यूज करते थे अपने चैनल को ऑपरेट करने के लिए चलाने के लिए। अब देखो इस केस में अगर आपने 50 कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर रखा था तो मतलब नहीं है, जो आपका प्राइमरी डिवाइस है जिसमें आप हरदम लॉग इन करते थे जिससे वीडियोस अपलोड करते थे आपका फोन या लैपटॉप हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है लोग कंप्यूटर फोन लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। करना क्या कि जिस भी फोन में आप चैनल लॉगिन रखते थे ना उस फोन के सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट डिवाइस अबाउट फोन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। वहां पर गाइस आपको मॉडल नंबर मॉडल नेम शो हो जाएगा, कई बार ना ये चीज आपको सामने नहीं शो होती, कई फोन्स में आपको नीचे ऑल स्पेक्स का एक ऑप्शन मिलता है उस पे क्लिक करने के बाद अंदर मॉडल नंबर मॉडल नेम शो होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से अपना मॉडल लिख के यहां पर जो भी फोन का नेम है ना वो लिख देना है और मॉडल नंबर लिख के उस फोन का जो भी मॉडल नंबर है जो कि अबाउट वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा वो आपको अच्छे से टाइप कर देना है। वहीं पर अगर आप कंप्यूटर से ऑपरेट करते थे तो भाई आपको अपने सिस्टम में नीचे सर्च करना है अबाउट योर पीसी, तो यहां पर आपके सामने ये खुल के आ जाएगा जहां पर आपको सिस्टम स्पेसिफिकेशंस खुल जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हो मॉडल नंबर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, तो बस आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम मॉडल लिख के यही मॉडल नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है। याद रखना अगर आप दो डिवाइस का यहां पर डाल रहे हो ना तो कॉमा करके आप बिल्कुल आराम से कंप्यूटर या फिर फोन का दोनों का एक साथ ही लिख सकते हो। उसके बाद में गाइस आपको नीचे ऑप्शन आता हैव यू साइन इन योर चैनल फ्रॉम एनी डिफरेंट डिवाइस इन द लास्ट 6 मंथ, तो अगर आपने लास्ट 6 मंथ में अदर अदर डिवाइसेस में अपने चैनल को लॉग इन करा था तो यस कर लेना, और अगर आपने नहीं करा था तो बिल्कुल नो पे क्लिक कर सकते हो। देन इसके बाद में आप नीचे देखो तो लिखा हुआ है व्हाट इज योर आईपी एड्रेस, अब ये पूछ रहे हैं आपकी आईपी एड्रेस ये आपको कैसे निकालना है, तो व्हाट इज आईपी एड्रेस के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है, उसके नीचे आप देखो लिखा हुआ है प्लीज विजिट www.whatsmyip.com, अब यहां पर आपको क्लिक नहीं करना है, ये गलती से भी मत करना, आपका ये फॉर्म गायब हो जाएगा, फिर से सारी डिटेल्स भरनी होगी। अब अगर फोन में कर रहे हो तो आपको इसी ब्लू टेक्स्ट पे कुछ देर तक क्लिक करके रखना है, तो यहां पर आपको कॉपी लिंक एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना, ये लिंक कॉपी हो जाएगी, या फिर सिस्टम में आप राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब भी कर सकते हो जिससे न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। फोन में भी अगर आप कर रहे हो तो गूगल क्रोम पे आपको एक नए टैब में इस लिंक को कॉपी करके ले जाके पेस्ट कर देनी है। तो जैसे ही आप इस लिंक को किसी तरीके से ओपन करते हो फोन या फिर कंप्यूटर में वो आपके डिवाइस की आपके लोकेशन की आईपी दे देता है, यहां पर लिखा हुआ मिलता है व्हाट इज माय आईपी, नीचे माय पब्लिक आईपी भी 4 करके लिखता है, यहां पर कुछ नंबर्स लिखे गए होते हैं और आगे ये जो कॉपी का ऑप्शन है वो दिया होता है, क्लिक कर दोगे ये आईपी कॉपी हो जाएगी, आपको ऊपर वाली ही बस आईपी कॉपी करनी है एंड फॉर्म में बैक चले जाना है और यहां पर जो भी आईपी पूछा गया था यहां पर पेस्ट कर देना है, एक बार आप मिला लेना ये बिल्कुल सही होना चाहिए। देन नीचे आओगे यहां पर आपको लिखा हुआ है व्हाट इज योर साइन अप कंट्री रीजन ऑफ योर चैनल, तो जिस भी कंट्री में आप रिसेंटली हो वहीं का आपको यहां पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। लाइक कई बार ना लोग इंडिया से यहां पर कहीं सऊदी अरब में होते हैं या फिर अलग जगह होते हैं तो आपको
कंट्री वही सेलेक्ट करनी है जहां पर आप प्रेजेंट टाइम में अपने फोन को लेकर बैठे हुए हो। तो यहां पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर दूंगा। देन यहां पर नीचे जो ऑप्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द लोकेशन दैट यू यूजुअली इन रन द चैनल फ्रॉम। तो यहां पर आप बॉक्स के नीचे देखो लिखा हुआ है लोकेलिटी कॉमा कंट्री कॉमा स्टेट और कॉमा सिटी। तो आपको लिखना है लोकेलिटी एंड डैश करके आपको लिख देना है अपनी लोकेलिटी। अब लोकेलिटी मतलब जहां पर भी आप रह रहे हो, कॉलोनी का नाम हो सकता है, कोई स्ट्रीट हो सकता है, एरिया हो सकता है, या फिर आपका जो पॉपुलैरिटी हो सकता है वहां का विलेज हो सकता है, तो वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। लोकेलिटी लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, देन आपको लिखना है कंट्री, डैश करने के बाद आप अपना कंट्री इंडिया जो भी है आप लिख सकते हो, फिर कॉमा लगाना, स्टेट टाइप कर देना एंड यहां पर आप डैश लगा के अपना स्टेट जो भी है वो लिख देना। उसी तरीके से आप कॉमा लगा के अपनी सिटी भी फिल कर लोगे। कुछ इस तरीके से आप ये पूरे ऑप्शन को अच्छे से भर लेना जैसे मैंने बताया है। उसके बाद आपको नीचे पूछेगा आर यू करेंटली इन द सेम लोकेशन एज द वन दैट यू यूजुअली साइन इन और रन द चैनल फॉर्म। तो यहां पर गाइस आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप उस सेम जगह पे हो जहां से आपने ये लोकेशन सारा दिया हुआ है वहीं पर हो तो आप बस यहां पर यस कर देना। अगर आप ये लोकेशन जो दे रहे हो ना वहां से कहीं दूसरी जगह हो तो आप नो कर देना। देन उसके नीचे वाले ऑप्शन में आपसे पूछेगा डिड यू एक्सेस और साइन इन योर चैनल फ्रॉम एनी डिफरेंट लोकेशन और द डिवाइसेस इन द लास्ट 6 मंथ, यानी लास्ट 6 मंथ में आपने किसी और डिवाइस से अपना चैनल लॉग इन करा है तो यस करो, नहीं करा है तो नो कर दो। अगर आप यस करोगे ना तो यहां पर आपको अलग अलग लोकेशन देने होंगे, तो इस झंझट से बचने के लिए मैं बोलूंगा आप यहां पर नो कर देना। देन उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है टेल अस बिट अबाउट द हाईजैकिंग इंसिडेंट, यानी गाइस यहां पर हाईजैकिंग इंसिडेंट के बारे में कुछ चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक यू वेयर हैक्ड, यानी कब आपको लगा था आप हैक हुए थे। देन उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा डिड यू गिव एक्सेस टू और शेयर द पासवर्ड टू योर चैनल और गूगल अकाउंट विद एनीवन, मतलब आपने किसी के साथ अपना गूगल अकाउंट या फिर जो अपना पासवर्ड है वो शेयर करा था। अगर आपने करा था तो आपको यस करना है। और अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछेगा प्लीज लिस्ट द ईमेल एड्रेसेस ऑफ दोस दैट यू शेयर्ड दिस इन्फो विद, मतलब अगर आपने किसी ईमेल आईडी पे अपना पासवर्ड वगैरह अकाउंट वगैरह शेयर करा था तो उस ईमेल आईडी को यहां पर आपको मेंशन करना होगा। अगर आपने नहीं करा तो सिंपली नो कर देना। देन उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा आर यू यूजिंग एनी वीपीएन ऐप ब्राउजर टू साइन इन टू द चैनल और अकाउंट, मतलब आपने अपना चैनल और अकाउंट को किसी भी वीपीएन ब्राउजर में ओपन करा था। अगर करा था तो यस पे क्लिक करोगे ना तो पूछेगा प्लीज शेयर द लोकेशन यूज, मतलब आपने किस लोकेशन से उसे ओपन करा था वीपीएन ब्राउजर के अंदर, तो वो लोकेशन आपको यहां पर डालनी होगी। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा आप नो कर देना। बाकी यहां पर आपको पूछेगा डिड यू गेट एनी ईमेल्स और क्लिक द लिंक्स फ्रॉम द चैनल स्पॉन्सर्ड और एडवर्टाइजिंग रिक्वेस्ट, यानी क्या आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड मेल या फिर एडवर्टाइजिंग रिक्वेस्ट आई थी, ईमेल आई थी और आपने उस पर क्लिक करा था, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था, तो इस केस में आपको यस करना है। एंड जैसे आप यस करोगे ना जो भी ईमेल से आपको आया था ना वो ईमेल, वो आपको ईमेल यहां पर टाइप करना होगा। बाकी आपको नहीं आया था तो नो पे क्लिक कर देना। पूछा गया डिड यू रिसेंटली डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाय द ब्रांड और पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, मतलब क्या आपको कोई भी स्पॉन्सर या फिर ब्रांड की तरफ से कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया गया था, आपने उसे डाउनलोड कराया। अगर आपने किया था तो यहां पर यस करोगे और व्हाट इज द सॉफ्टवेयर यहां पर आप मेंशन कर दोगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम, उस भी जो भी चीज थी उसका नाम। अगर आपने नहीं करा था नो पे क्लिक कर देना है। देन आपको लास्ट में ऑप्शन पूछा गया है शेयर मोर डिटेल्स अबाउट हाउ यू मे हैव बीन हाईजैक्ड बिलो, मतलब आपने किस तरीके से आपका चैनल हैक हुआ था, लॉस्ट हुआ था, वो चीजें यहां पर आपको बिल्कुल मेंशन करनी है। तो आपके केस में अलग अलग तरीके से हो सकता है, सबके साथ ही अलग होता है, तो यहां पर वो चीज आपको मेंशन कर देनी है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक नॉर्मल हैकिंग जो कि होता है मैं आपको कुछ इस तरीके से लिख के एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं, ये आपको लिख देना है। लास्ट ऑप्शन मिलता है अटैच स्क्रीनशॉट और अदर फाइल्स टू फॉर सप्लीमेंटल इन्फो, मतलब आपको कोई ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर करना है या फिर कोई भी ऐसा एविडेंस शेयर करना है जो कि आपके इस हैकिंग से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है जब आपका चैनल हैक होता है ना तो वहां पर काफी सारे मेल्स आते हैं, तो उनका एक पीडीएफ बना के आप यहां पर एक ही बार में अटैच कर सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन आपको यहां पर आई ऑथराइज्ड पे क्लिक करना है और आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। गाइस जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत ही जल्द YouTube की तरफ से ना मेल आ जाएगी। अब देखो ये जो ईमेल आएगी ना वो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर से मिल जाएगी, तो आपको फॉर्म एक बार फिल हो जाने के बाद ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और ईमेल में आपको YouTube से इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत सारी चीजें पूछते हैं, वो आपको बात करना होता है, वो चीजें आपको करनी होती है। अब रीजन ये है यहां पर मैं वो चीजें नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि वो ना सबके साथ ही अलग अलग होता है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर बताने लगा तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अगर मैं वीडियो के अंदर बता देता हूं तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हो, इवन काफी सारे लोग अपनी चैनल आईडी नहीं मिलती, कई सारे लोग की वीडियो का चैनल का लिंक तो है लेकिन वो डालते हैं तो वो एरर आ जाता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता, या फिर काफी सारे लोग के पास पीयूबी नंबर नहीं है, इवन काफी सारे लोग के तो फॉर्म ही नहीं खुल रहे। तो ऐसे में गाइस मैंने एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन रखा हुआ है, हमारा एक पेड सॉल्यूशन है जिसको आप हमसे कॉन्टेक्ट करके बहुत ही इजीली अपना चैनल रिकवर करा सकते हो। और अब तक लगभग 500 से ऊपर लोगों ने अपने चैनल रिकवर कराया है जिनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर्स हैं, और उसका प्रूफ ना आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। बाकी अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जिसके बाद में आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपना चैनल बिल्कुल इन लोगों की तरह ही रिकवर करा सकते हो। बाकी आई होप आप इस
डिटेल वीडियो से आप अपना चैनल भी रिकवर कर पा रहे हो और थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, हमें अप्रिसिएट करने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।